काशी मैं ही बाबा की इस पावन धरती को नमन करता हूं। मौर्य साम्राज्य के रूप में भारत के गौरव को दूर दूर तक फैलाने वाले सम्राट अशोक की आज जयंती भी है। उनसे प्रेरणा लेने वाले बड़ी संख्या में लोग आज भाजपा को अपना आशीर्वाद देने आए हैं। एनडीए सरकार की तीसरी पारी को लेकर पहले से भी ज्यादा उत्साह नजर आ रहा है। आपका ये उत्साह बता रहा है फिर एक बार विकसित भारत के लिए 4 जून साथियों, आज एनडीए सरकार के लिए वंचित शोषित वर्ग हमारी पहली प्राथमिकता है। जिसको किसी ने नहीं पूछा, हम उसको पूज रहे हैं। एक समय था जब केंद्र की सरकारें बिहार को पिछड़ा कहकर पीछा छुड़ा लेती थी। बिहार की सरकारें सीमांचल को पिछड़ा कहकर के पलड़ा झाड़ लेती थी, लेकिन हमने सीमांचल और पूर्णिया के पूर्ण विकास को अपना मिशन बनाया है। एनडीए सरकार ने सीमांचल के भाग्य को बदलने के लिए आकांक्षी जिला और अब आकांक्षी ब्लॉक ऐसी बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना चलाई। आज हमारे पूर्णिया ने देश में सबसे बेहतर प्रगति करने वाले आकांक्षी जिलों में अपनी जगह बनाई है। मैं इसके लिए पूर्णिया के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आपका उत्साह अद्भुत है। ऐसा उत्साह बहुत कम ही देखने को मिलता है। लेकिन अगर आपका उत्साह मेरी आवाज पहुंचने ही नहीं देगा तो फिर इस सभा का फायदा क्या होगा? तो मेरी बात वहां बैठे लोग सुन सके, इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि आपके नारे आपके उत्साह को थोड़ा नीचे करें तो अच्छा होगा। करेंगे मेरी बात को मानेंगे? पक्का मानेंगे? बिहार के लोग इतने बढ़िया है, यहां के नौजवान इतने बढ़िया है कि मेरी हर बात को स्वीकार करते हैं, ये मेरा सौभाग्य है। साथियों, बिहार और पूर्णिया के पास सामर्थ्य की कभी कमी नहीं थी। हमारे बिहार का किसान भरपूर मक्का उत्पादन करता है। बिहार में जूट और मखाने की खेती भी खूब होती है। पिछले 10 वर्षों में हमने
जूट की एमएसपी को बढ़ाकर दो गुना किया है। बिहार का 20% मखाना अकेले पूर्णिया के किसान ही पैदा करते हैं। हमने आपके इस सामर्थ्य को प्रोत्साहन दिया, नतीजा ये हुआ कि आपने मखाना के सीड प्रोडक्शन को करीब दोगुना कर दिया। आज एनडीए सरकार मखाने को सुपर फूड के रूप में प्रमोट कर रही है। मोटे अनाज यानी श्री अन्न की तो मोदी ने पूरी दुनिया में मार्केटिंग की है। आपने G20 में देखा होगा, मोदी ने दुनिया के बड़े बड़े राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को श्री अन्न मोटा अनाज खिलाया, कहा कि हमारे छोटे किसानों की मेहनत है इसमें। अब मोटा अनाज गरीब का खाना नहीं, अमीरों का खाना बन रहा है। इसका फायदा सीधे हमारे किसानों तक पहुंच रहा है। मक्के को भी मुनाफे की फसल बनाने के लिए हमारी सरकार ने एमएसपी पर खरीद बढ़ाई और अब तो मक्के से एथेनॉल भी बनाया जा रहा है। देश का पहला, पूरे भारत का पहला ग्रीन फील्ड एथेनॉल प्लांट पूर्णिया में लगाया गया है। हमारे नीतीश जी ने ही इसका उद्घाटन किया था। साथियों, कृषि और उद्योग के इन अवसरों को गति देने के लिए पूर्णिया में रेल और रोड के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी आधुनिक बनाया जा रहा है। कुछ समय पहले ही मैंने कटिहार जोगबानी रेल सेक्शन के विद्युतीकरण लोकार्पण किया था। हमारी सरकार सीमांचल में अच्छी सड़कों का निर्माण भी करवा रही है और अब तो वो दिन दूर नहीं जब पूर्णिया में हवाई जहाज भी उतरेगी। हमारी सरकार सीमांचल में वंदे भारत, नमो भारत जैसी ट्रेनों के जरिए कनेक्टिविटी बढ़ाने और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए भी काम करेगी। साथियों, मोदी के लिए आपके सपने ही मोदी का संकल्प है। इसलिए गांव, गरीब, दलित, वंचित, दशकों से जिन समस्याओं से जूझ रहे थे, मोदी ने 10 साल में उनका समाधान दिया है। देश के 25 करोड़ गरीबी से बाहर तब आए जब हमने दिन रात उनके लिए मेहनत की। देश के 4 करोड़ गरीबों को पीएम आवास तब मिला जब आपने मोदी को सेवा करने का आशीर्वाद दिया। देश के 50 करोड़ से ज्यादा दलितों, वंचितों, गरीबों का बैंक में खाता तब खुला जब आपने मोदी को आशीर्वाद देकर के सेवा करने का मौका दिया। करोड़ों माताओं बहनों को चूल्हे के धुएं से मुक्ति तब मिली जब मोदी ने
उज्ज्वला सिलेंडर देकर उनकी सूद ली। देश के 11 करोड़ परिवारों तक पहली बार पाइप से पानी तब पहुंचा जब मोदी ने हर घर जल को अपना मिशन बनाया। आज 11 करोड़ छोटे किसानों के खातों में किसान सम्मान निधि भी एनडीए सरकार ही भेज रही है। इन योजनाओं का बहुत बड़ा लाभ हमारे ततमा समाज, महलदार समाज और ऋषिदेव समाज के मेरे परिजनों को भी हुआ है। लेकिन साथियों, मोदी इतने से संतुष्ट नहीं है। जो काम हुआ है ना, वो तो ट्रेलर है ट्रेलर। अभी हमें पूर्णिया को, सीमांचल को, बिहार को और पूरे हिंदुस्तान को बहुत आगे लेकर जाना है। कई बार लोग पूछते हैं कि मोदी के लिए समाज के आखिरी पायदान पर खड़ा व्यक्ति, हमारा दलित, पिछड़ा, आदिवासी, ये इतनी प्राथमिकता क्यों है? ये समाज मोदी की प्राथमिकता इसलिए है क्योंकि यही समाज सबसे ज्यादा गरीबी से प्रभावित है और मोदी गरीबी से ही निकलकर आपके बीच आया है। मोदी के ऊपर अपने इस समाज का, बाबा साहब का और उनके संविधान का बहुत बड़ा कर्ज है। इसलिए हमारी सरकार ने संविधान को एक श्रद्धा का स्थान मिले, संविधान को आस्था का स्थान मिले, संविधान के प्रति देश का प्रत्येक व्यक्ति समर्पित हो, संविधान की भावना को हर देशवासी तक पहुंचाने के लिए लगातार काम किया है। हमारी ही सरकार ने देश में संविधान दिवस मनाने की शुरुआत की। आज बाबा साहब के संविधान को सेलिब्रेट करने के लिए बच्चों के स्कूलों से लेकर सुप्रीम कोर्ट और संसद तक में कार्यक्रम किए जाते हैं और ये वर्ष तो बहुत विशेष है। इस साल संविधान के 75 वर्ष की शुरुआत हो रही है। जैसे हमने आजादी के 75 वर्ष पर आजादी का अमृत महोत्सव मनाया, इसी तरह इस वर्ष हमें संविधान के 75 वर्ष का पर्व मनाना है। हमने तय किया है हम देश के कोने कोने में बाबा साहब के संविधान की भावनाओं को लेकर जाएंगे। देश की युवा पीढ़ी को देश की गौरवशाली संविधान के निर्माण की प्रक्रिया, उसके अध्याय, उसका महत्व बताएंगे। लेकिन दूसरी तरफ वो लोग हैं जिन्होंने आपातकाल में संविधान को रद्द करने, संविधान को बंधक बनाने और संविधान को तोड़ने मरोड़ने का काम किया था। हमें याद रखना है जो लोग सत्ता और सरकार को एक परिवार की मुट्ठी में रखना चाहते हैं, संविधान उनकी आंखों में हमेशा खटकता है। इसलिए अब ये लोग संवैधानिक व्यवस्था से हुए
चुनाव के नतीजों को अस्वीकार करने की धमकी देने लगे हैं, लेकिन इनके मंसूबे कामयाब न हो संविधान दलित पिछड़ा आदिवासी की ताकत बना रहे, इसके लिए हमें एकजुट होकर साथ खड़े रहना है। साथियों, अगले 5 वर्षों के कामकाज के लिए बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है। इस संकल्प पत्र में मोदी ने गारंटी दी है देश के सभी जरूरतमंदों को आगे भी फ्री राशन, मुफ्त राशन मिलता रहेगा। मोदी ने गारंटी दी है गरीब दलित वंचित के कल्याण से जुड़ी योजनाओं को हम हर जरूरतमंद तक लेकर जाएंगे। हमारी सरकार 3 करोड़ नए पक्के घर बनाएगी। देश में 70 साल से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को मुफ्त इलाज की जिम्मेदारी भी सरकार उठाएगी। आप अपने परिवार में अपने बुजुर्गों को कह दीजिए, अब वो बीमारी को छुपाए नहीं, अगर कोई तकलीफ है तो मोदी बैठा है। ये मोदी की गारंटी है। साथियों, पिछले 10 वर्षों में एनडीए सरकार ने वो काम किए हैं जिन्हें पहले असंभव माने जाते थे। आज हर कोई कह रहा है बड़े कामों का दम सिर्फ भाजपा के पास है, एनडीए के पास है। आपको याद होगा, पहले अड़ोस पड़ोस के देश यहां हमला करके चले जाते थे, सीमा पर हमारे जवानों की आए दिन शहादत होती थी। आप लोगों को दुख के साथ ही गुस्सा भी आता था, आपका मन करता था ना कि इन्हें घर में घुसकर मारो। मोदी ने आपकी इच्छा का पालन किया और इसका नतीजा क्या हुआ? जो देश हमें आंखें दिखाता था वो कटोरा लेकर के भटक रहा है। साथियों, दशकों से देश में लोग मांग कर रहे थे कि कश्मीर में अलग झंडा, अलग संविधान नहीं चलना चाहिए। जो लोग दिन रात संविधान के नाम पर हमको गालियां देते हैं ना, इतने दशकों तक उन्होंने राज किया, आजादी के बाद उनके हाथ में सत्ता आई, अब तक आई, लेकिन उनमें हिम्मत नहीं थी कि बाबा साहब आंबेडकर के संविधान को जम्मू कश्मीर में लागू कर पाएं, बाबा साहब का संविधान वहां लागू नहीं होता था। ये मोदी है जो संविधान को समर्पित है। आज जम्मू कश्मीर में भी आन बान शान के साथ हमारा संविधान लागू हो गया। कश्मीर से आपकी इच्छा थी 370 हटनी चाहिए, तो ये गमंडिया गठबंधन वाले क्या कहते थे?
ये कहते थे कि 370 हटी तो कश्मीर में आग लग जाएगी। आज आर्टिकल 370 का द एंड हो चुका है। अगर कश्मीर में नहीं, भारत को बांटने वालों के मंसूबों में जलन हो रही है, आग लगी है। साथियों, कल रामनवमी का पवित्र त्यौहार भी है। ये लोग राम मंदिर के लिए भी यही कहते थे, बोलते थे कि राम मंदिर बना तो देश में आग लग जाएगी। आज हमारा राम मंदिर पूरी दुनिया में भारत का गौरव बढ़ा रहा है। अब कुंठा में गिरे ये कांग्रेस के लोग, गमंडिया गठबंधन के लोग राम मंदिर का अपमान कर रहे हैं। गमंडिया गठबंधन ने तो सनातन को मिटाने की कसम खा रखी है। 26 अप्रैल को आपका वोट इन्हें बताएगा कि सनातन मिटता है या ये लोग रहते हैं। साथियों, हमारा सीमांचल बिहार का एक संवेदनशील इलाका है। वोट बैंक की राजनीति करने वालों ने पूर्णिया और सीमांचल को अवैध घुसपैठ का ठिकाना बनाकर यहां की सुरक्षा को दांव पर लगाया है। इसका शिकार हमारे दलित, वंचित, पिछड़े और गरीब को होना पड़ा है। हमारे दलित भाइयों के घरों तक को जलाया गया था। लेकिन मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं, देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाला हर तत्व सरकार की नजर में है। 4 जून का परिणाम इसी सीमांचल की सुरक्षा तय करेगा। और जो लोग राजनीतिक फायदे के लिए सीएए का विरोध कर रहे हैं, वो भी एक बात जरूर जान ले, ये मोदी है ये न डरने वाला है और न ही झुकने वाला है। साथियों, आपने वो दौर भी देखा है जब बिहार में जंगल राज था। उस समय बिहार के इस इलाके में महाजंगल राज हुआ करता था। हिंसा, अराजकता, अपहरण और भ्रष्टाचार का यहां उद्योग चलता था। नीतीश जी के नेतृत्व में हमने बहुत मुश्किल से उस दौर को बदला है। लेकिन आज एक बार फिर जंगल राज और महाजंगल राज वाले लोग उस दौर की वापसी चाहते हैं। इनका एक ही एजेंडा है, भ्रष्टाचार और लूट। हमारे पूर्णिया में कहते हैं ना, हर भय से खर खाए, बकरी खाए अचार। भाव ये मेहनत गरीब जनता करे और मलाई ये आरजेडी वाले लूटे। मोदी के रहते ये मुमकिन नहीं है। इसलिए
सब भ्रष्टाचारी के लूट के ठिकाने बचाने के लिए वो अब एक हो रहे हैं। मैं कहता हूं भ्रष्टाचार हटाओ, ये कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ, मैं आपको एक गारंटी देता हूं, अगले 5 साल भ्रष्टाचार के खिलाफ और बड़ी कार्रवाइयों के 5 साल मान के चलिए। साथियों, पूर्णिया से एनडीए उम्मीदवार श्री संतोष कुमार जी, और कटिहार से दुलाल चंद्र गोस्वामी जी, ये हमारे प्रत्याशी है। 26 अप्रैल को आपको इसी उत्साह के साथ इन्हें वोट करना है। पूर्णिया और कटिहार से जीत का रिकॉर्ड बनाना चाहिए। बनाओगे? घर घर जाओगे? पोलिंग बूथ जीतोगे? पोलिंग बूथ जीतना है जीतोगे? हर पोलिंग बूथ जीतना है जीतोगे? अच्छा, मेरा एक और काम करोगे? करोगे क्या? ये मेरा काम है, करोगे? देखिए, यहां से जाने के बाद घर घर जाइए और जाकर के सबसे कहिए कि हमारे मोदी जी आए थे, उन्होंने आपको प्रणाम कहा है, मेरा प्रणाम पहुंचा दोगे? देखिए, मेरा प्रणाम पहुंचेगा तो सभी परिवार के लोग मुझे आशीर्वाद देंगे, और जब परिवार के बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलता है ना, तो नई ऊर्जा मिलती है, नई शक्ति मिलती है, और मैं उसके लिए दौड़ता रहूंगा, आपके लिए दौड़ता रहूंगा। और पहले ही मैंने कहा था, मेरा पल पल आपके नाम, मेरा पल पल देश के नाम। और इसलिए मेरा संकल्प है 24/7 फॉर 2047, विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए 24/7 हर पल आपका। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।